बंद शेष ट्रेनों को भी चालू करें, नहीं तो जीएम का करेंगे घेराव। कोरबा से बंद की गई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत दो ट्रेनों को बंद किए जाने से नाराज राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर कर आंदोलन की चेतावनी दे दी। आनन फानन में रेल प्रबंधन ने बंद किए गए 23 ट्रेन में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को शुरू कर दिया। मंत्री अग्रवाल ने इस पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा है कि कोरबा व बिलासपुर क्षेत्र से जितनी भी ट्रेन बंद की गई हैं उन्हें शुरू की जाए, केवल 2-4 ट्रेनों शुरू करने से बात नहीं बनेगी। रेल प्रबंधन जल्द ही इस पर पहल नहीं करती है तो रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके बाद कोरबा में कोयला परिवहन में लगी मालगाड़ियों को रोकेंगे। देखिए, लगभग 27 ट्रेनों की सूची थी, 27 ट्रेनें रद्द की गई है। इससे पूर्व भी ये ट्रेनें तो अभी एक माह के लिए, जो 22 तारीख से 23 मई तक के लिए, जो 22 अप्रैल से 23 मई तक के लिए जो निरस्त की गई थी, उसके कारण आक्रोश ज़्यादा पड़ता। इससे पहले भी नवरात्रि के अवसर पर बहुत सारी ट्रेनें रद्द की गई थी और उसके बाद यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा नवरात्रि के समय दर्शनीय स्थल डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी को माना जाता है, जहाँ पर इस रूट में सारी ट्रेनें, हावड़ा से चलने वाली सभी ट्रेनों का स्टॉपेज उस नवरात्रि के पीरियड में दिया जाता है। मतलब लोकल ट्रेनों को बंद करके स्टॉपेज तो दिया गया, लेकिन उससे लोकल जो छोटे स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एकदम से एक महीने के लिए जो ट्रेनें रद्द की गई, जिसके फलस्वरूप आम जन का आक्रोश बढ़ा। उससे पूर्व भी नागपुर लाइन पर काम चलने के कारण, पटरी का काम चलने के कारण और भी पहले ट्रेन रद्द की गई। कोविड के पीरियड में तो सारी ट्रेनें रद्द की ही गई थी। उसके बाद हमारी जो कोरबा से रायपुर हसदे एक्सप्रेस जो चलती है उसको बहाल किया गया, लेकिन सिर्फ हफ्ते में चार दिन में सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में सोमवार और मंगलवार को रद्द है, जब अधिकांश लोगों को राजधानी जाने का अवसर रहता है। शनिवार और इतवार जब कार्यालयों में छुट्टी रहती उस दिन जरूर चल रही है, पर सोमवार मंगलवार को आज भी वो रद्द है, जिसकी प्रबल मांग कोरबा की जनता की है। अभी जो हम लोगों ने रेल विकास समिति ने जो आंदोलन के संबंधी मतलब रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी, राजस्व मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में बिलासपुर कलेक्टर की उपस्थिति में उनसे चर्चा हुई और तब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया और पहले भी वो पत्र लिख चुका था, चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा था। उसके बाद भी जब एक माह के लिए ट्रेनें जब बंद हुई तो सब तक पूरे प्रदेश में बौखलाहट बढ़ गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीधे ही रेल मंत्री से चर्चा की। उसके बाद ये 3 ट्रेनें बहाल हुई, जिसमें कोरबा से चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो अमृतसर तक जाती है, जो लगभग 6-7 राज्यों को पार करती है। हमने तो आरोप भी लगाया था कि भाई आपने, रेलवे ने कोरबा को एक टापू बना दिया, सीधे हिंदुस्तान के बाकी उत्तर से सीधे काट दिया पूरे कोरबा को। यहाँ पे जो है या जो ट्रेनें रद्द की जा रही है यहाँ से जी। उसके से बहुत ज्यादा हमको परेशानियाँ हो रही है और जो टाइमिंग वगैरह है उससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करे जी। जो ट्रेनें वो रद्द कर रही है और अभी जैसे समर वैकेशंस लग रहे हैं बच्चों के, तो उससे काफ़ी परेशानियाँ हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।